हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल टू आईआईटीएंस। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एमएल अग्रवाल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम ये देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 30 और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पे 1 है। तो 30 वन जो 30, अब 30 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करने पे हमारा 11 आए। तो क्या होंगे ऐसे 30 के फैक्टर्स, 6 5 जो 30 और 6 प्लस 5 11। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 एक्स माइनस प्लस माइनस, माइनस 5 एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पेयर करेंगे और इसको पेयर करेंगे, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 6। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है माइनस 5। तो हमारे अंदर क्या बचेगा, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 5 हम लोगों ने यहां से क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अगर प्लस 5 लेते तो ये x का टर्म माइनस में हो जाता और ये वाला टर्म प्लस में हो जाता। लेकिन हमें इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी करना था, इसलिए हम लोगों ने माइनस 5 यहां से कॉमन लिया। आगे देखते हैं, x माइनस 6 एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, एक बार हम इसको कंपेयर करेंगे 0 से, एक बार इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 एंड इसको कंपेयर करेंगे तो 5, दैट इज माय आंसर। फिर इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें, या इसको 25 को उस तरफ ले जाके, तो हम लोग 25 को उस तरफ ले जाके वो वाला मेथड लगाएंगे। तो क्या होगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 को भी इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर, इधर 4 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 25/4। अब क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल्स टू 25/4 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगी, एक प्लस में जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक वैल्यू प्लस में आती है, एक वैल्यू माइनस में आती है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ही इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया हमारा अंदर, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो
अब एक बार इसको कंपेयर करेंगे जीरो से, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू एक बार आ जाएगा जीरो, और दूसरी बार जब कंपेयर करेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, तो 2x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 बाई 2, तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 0 एंड 5 बाई 2, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 48, तो हम लोग 48 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको फैक्टर्स करके निकालेंगे, तो 48 इंटू 1 एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को, 48 इंटू 1 48, और 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 2 आ जाए, तो 8 6 जा 48 और 8 माइनस 6 2, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0, कॉमन लेंगे यहां से, यहां इन दोनों में से क्या कॉमन है x, तो अंदर बचेगा x माइनस 8, इन दोनों में से क्या कॉमन है 6, अंदर बचेगा x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 एंड x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार हम इसको कंपेयर करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 6, ये हमारा आंसर। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे, कैसे 6 प्लस एक्स को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है माइनस एक्स हो जाएगा उधर जाएगा, तो प्लस का 6 है माइनस 6 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। फिर से हम वही करेंगे कॉन्स्टेंट इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है 6 वन का 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो 6 के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे 2 3 जा या 3 2 जा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब खोलेंगे ब्रैकेट को, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है x, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इन दोनों में से प्लस 2, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया हमारा x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको कंपेयर करेंगे और एक बार इसको कंपेयर करेंगे, तो x की क्या वैल्यूज आ जाएंगी 3 एंड माइनस 2, ये आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है जो जनरल इक्वेशन होती है, तो अब हम क्या करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 2 जा 2, तो 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे हमें 3 मिले, तो क्या हो गए 2 के ऐसे फैक्टर 2 1 जा 2, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस करना है तो 1x लिखें या x लिखें बात एक की है, फिर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x माइनस प्लस माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से क्या कॉमन है 2x, तो 2x कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा x माइनस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन है माइनस 1, अंदर बचा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, आया हमारा x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, तो एक बार इसको कंपेयर करेंगे जीरो से, एक बार इसको कंपेयर करेंगे जीरो से, तो क्या आ जाएंगी वैल्यूज x इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 बाई 2, ये हमारा आंसर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल, देखते हैं क्या है क्वेश्चन इस बार।
3x² = 2x + 8। पहले हम इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे। कैसे? 3x² 2x + 8 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2x - 8 = 0। फिर वही करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8 × 3 = 24। तो हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे हमें 2 मिले। तो 24 के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे, 6 × 4 = 24, और 6 और 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो करते हैं, तो ये जाएगा 3x² - 6x - 4x - 8 = 0। ये हो जाएगा 3x² - खोलेंगे ब्रैकेट तो -6x - 4x - 8 = 0। अब हम लोग इसको पेयर करके फैक्टर्स निकालेंगे इसके। तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x, तो 3x कॉमन ले लिया, क्या आया हमारा अंदर x - 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, तो +4 कॉमन ले लिया, क्या आया हमारा x - 2 = 0। तो क्या हो गए फैक्टर्स हमारे, x - 2 and 3x + 4 = 0। तो अब एक बार इसको कंपेयर करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x = 2 and -4/3, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या है, 4x² + 15 = 16x। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्या आ जाएगी, 4x² + 15 - 16x = 0। 4x² - 16x + 15 = 0। फिर वही कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ x², तो 15 × 4 = 60। हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करने पे 16 आना चाहिए। 60 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 10 × 6 = 60, और 10 + 6 = 16। 60 के फैक्टर्स क्या हो गए, 10 और 6, तो 4x² - 10x + 6x + 15 = 0। ब्रैकेट खोलेंगे, 4x² - 10x - 6x + 15 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x को कॉमन है, 2x कॉमन लिया, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन, क्या आ जाएगा, 2x - 5 = 0। फिर 2x - 5 and 2x - 3 = 0। एक बार इसको कंपेयर करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 5/2 and 3/2, ये हमारा आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x(2x + 5 = 25, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² + 5x = 25। अब 25 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारी, 2x² + 5x - 25। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि x² के कोफिशियंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म्स करते हैं, तो 25 × 5 = 50, यानी कि 50 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे हमें 5 मिले। तो 10 × 5 = 50, और 10 - 5 = 5 आएगा हमारा, तो हमें फैक्टर्स मिल जाए 10 और 5। तो लिख लेते हैं, 2x² + 10x - 5x - 25 = 0।
ब्रैकेट खोलेंगे 2x² + 10x - 5x - 25 = 0। यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x, अंदर क्या बचा x प्लस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन है -5, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 5 एंड 2x - 5 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको कंपेयर करेंगे 0 से, एक बार इसको, तो x की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू -5 एंड 5/2, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, x + 3 × x - 3 = 40। तो इस को देखेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि क्या होता है a² - d²। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 3 का स्क्वायर 9 = 40। अब 9 को हम लोग उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, x² = 40 + 9। एक्स स्क्वायर हमारा आ गया 49। तो x स्क्वायर हटेगा यहाँ से, स्क्वायर रूट लगेगा इधर, क्या आ गया √49। तो x की दो वैल्यूज आई +-7, ये हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2x + 3 × x - 4 = 6। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2x का इन दोनों में, फिर प्लस 3 का इन दोनों में। करते हैं क्या आएगा, 2x का किया हमने x - 4 में, प्लस 3 का किया x - 4 में = 6। 2x का करेंगे तो 2x × 2x = 4, 2 = 8x, प्लस 3 = 3x, प्लस -3 = 12 = 6। ये क्या हो गया, 2x² - 8x + 3x + -, तो क्या हो जाएगा 8 - 3 = 5, साइन बड़े नंबर का 5x, -12, और 6 को भी इधर ले आएंगे, -12 - 6 = 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से, 2x² - 5x - 18 = 0। अब क्या करेंगे, फिर से वही कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ x² क्या हो गया, 18 × 36, यानी कि 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 5 आए। क्या होंगे ऐसे फैक्टर्स, 9 4 36, 9 - 4 = 5। लिखेंगे 2x² - 9x - 4x - 18 = 0। क्या आ जाएगा, 2x² - 9x - - + 4x - 18 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, x कॉमन है केवल। तो ये क्या आ जाएगा, 2x - 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या हो जाएगा अंदर, 2x - 9 = 0। क्या आ गए फैक्टर्स, 2x - 9 एंड x + 2। तो यहां से हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक बार इसको कंपेयर करेंगे 0 से, एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी 9/2 एंड -2, ये हमारा आंसर। अब देखेंगे सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट क्या है, 3x + 1 2x + 3 = 3। तो फिर से वैसे ही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x का करेंगे पहले 2x + 3 में, प्लस 1 का करेंगे 2x + 3 में = 3। क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6x², 3 × 3 = 9x, +2x + 3, इसको भी इधर ले आएंगे -3 = 0, +3 - 3 कैंसिल, हमारा क्या बचा 6x² + 9x + 2x। तो +++ 9 + 2 = 11, 6x² + 11x = 0।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, 6x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको कंपेयर करेंगे 0 से, एक बार इसको कंपेयर, तो एक वैल्यू आ गई हमारी 0, दूसरी क्या आ जाएगी, 6x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, तो 6x इज इक्वल्स टू माइनस 11, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन 6। तो हमारी दो वैल्यूज क्या आ गई x की, 0 और माइनस 11 बाय 6। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 4 4, यानी कि 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे हमें 4 मिले। तो क्या होगा 4 के ऐसे फैक्टर, 2 2 4, 2 प्लस 2 4, तो आगे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, तो 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, 2x प्लस 1। इन दोनों में 1 कॉमन है, प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गए हमारे फैक्टर्स, 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस 1 बाय 2 एंड माइनस 1 बाय 2 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो पहले हम इन सबको खोल लेते हैं, इन सबके स्क्वायर्स को एक्सपैंड कर लेते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स, यानी 8 माइनस 8x, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। अरेंज करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6 5 11 2 1 3 1 4, 169 को उधर ले आएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 169 में 41 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, साइन किसका लगा, 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 4 2 एंड 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर वही कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 128 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे हमें 8 मिले। तो 128 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 16 माइनस 8 8, करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8x माइनस 128 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे, क्या आएगा, माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 128 इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, x, क्या आ गया हमारा अंदर, x माइनस 16, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 8, अंदर क्या आ गया, x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 16 एंड x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 16 एंड माइनस 8, ये हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 21x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 1। तो पहले हम इसको नॉर्मल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, कैसे करेंगे, 21x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, क्या आ जाएगा, 4 2 8x प्लस 4 1 4। अब सबको इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, 21x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही 4
कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 21 4 = 84, यानी कि 84 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 8 आए, तो क्या होंगे ऐसे फैक्टर, सॉरी यहाँ प्लस का 4 था, इधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पे यानी कि 84 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 8 आए, तो ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे 14 6 14 - 6 8, आगे करेंगे क्या आएगा 21x² - 14x - 6x = 4 - 4 = 0, फिर खोलेंगे ब्रैकेट 21x² - 14x + 6x - - 4 = 0, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 7 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा हमारा 7x, इधर आ जाएगा 3x - 2, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 3x - 2 = 0, क्या फैक्टर्स आ गए 3x - 2 and 7x + 2 = 0, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, एक बार इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा x = 2/3 and - 2/7, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2/3 x² - 1/3 x - 1 = 0, इस इक्वेशन में क्या है फ्रैक्शंस हैं, तो हम लोग फ्रैक्शंस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ पे 1, तो क्या करेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 3, ऊपर क्या आएगा 2x² - x, इधर क्या आ जाएगा -3 = 0, अब 3 को उधर भेजेंगे तो 3 0 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई 2x² - x - 3 = 0, सेम कॉन्स्टेंट इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 2 6, यानी 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे हमें 1 मिले, तो 6 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 3 × 2, ये तो 2 × 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x² - 3x - 2x - 3 = 0, क्या आ जाएगा 2x² - 3x - 2x - 3 = 0, अब इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, क्या आ जाएगा अंदर 2x - 3, इन दोनों में क्या कॉमन है 1, प्लस 1 कॉमन लिया अंदर क्या बचा 2x - 3 = 0, क्या हो गए फैक्टर्स 2x - 3 and x + 1, एक बार इसको कंपेयर करेंगे एक बार इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x की वैल्यूज x = 3/2 and - 1, ये हमारा आंसर। ओके हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल, देखते हैं क्या है क्वेश्चन 6x + 29 = 5/x, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग इस x को इस तरफ दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करेंगे क्या आएगा हमारा 6x + 29 = 5, ठीक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x into 6x, 6x² + 29x = 5, 5 को अब इधर ले आएंगे तो आ जाएगा हमारा 6x + 29x - 5 = 0, फिर कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा 5 6 = 30, यानी कि 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 29 आए, तो क्या होंगे 30 1 30 और 30 - 1 29, तो लिखेंगे यहाँ पे 6x² + 30x - x - 5 = 0, ब्रैकेट खोलेंगे क्या आएगा हमारा +30x - x - 5 = 0,
अब इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारा 6x, तो हम लोग 6x कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा अंदर x प्लस 5, यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस 1, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया हमारे फैक्टर्स x प्लस 5 एंड 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारी x की क्या वैल्यूज आ गई x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड 1/6, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होल 1/2, तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। अब सबको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब 2x को उधर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो हमारी क्या इक्वेशन बचेगी 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x, सॉरी इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, 2 2 जा 4, यानी कि 4 के हमें कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 5 आ जाए, यानी कि 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2x, क्या हो जाएगा हमारा अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है माइनस 1, क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या फैक्टर्स हो गए हमारे x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1, तो हमारी x की क्या वैल्यूज आ गई, हमारी x की वैल्यूज आ गई 2 एंड 1/2, और ये हमारा आंसर। ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट पार्ट 3x माइनस 8/x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 को इधर ले आएंगे और फिर एलसीएम लेंगे, 2 को इधर ले आते हैं माइनस 8/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, तो क्या एलसीएम आएगा एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर से भाई कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो क्या होंगे ऐसे फैक्टर्स 6 4 जा 24 और 6 माइनस 4 2, तो लिखेंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है यहाँ पे 3x, तो 3x हमारा कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा अंदर x माइनस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 एंड 3x प्लस 4, तो हमारी x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी x इज इक्वल टू 2 एंड
माइनस फोर बाय थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बाय थ्री प्लस नाइन बाय एक्स इज इक्वल्स टू फोर। अब हमें यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फोर को इधर ले आएंगे फिर एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स बाय थ्री प्लस नाइन बाय एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स, एलसीएम क्या आ जाएगा थ्री एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन और यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री फोर जो ट्वेल्व एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब थ्री एक्स उधर मल्टीप्लाई होगा जीरो में तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। सेम थिंग कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारा ट्वेंटी सेवन वन जर ट्वेंटी सेवन, यानी कि ट्वेंटी सेवन के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करने पे हमें ट्वेल्व मिले, तो क्या होंगे ऐसे फैक्टर्स नाइन थ्री जा और नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। ब्रैकेट खोलेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल्स टू जीरो, क्या होगा x इन दोनों में क्या कॉमन है x अंदर क्या हो जाएगा x माइनस नाइन, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस थ्री, क्या बचेगा x माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे क्या फैक्टर्स आ गए x माइनस नाइन एंड x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, हमारी x की वैल्यूज आ गई x इज इक्वल्स टू नाइन एंड थ्री, ये हमारा आंसर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री एक्स माइनस सेवन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या कैसे करते हैं, इसको x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू थ्री एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस सेवन माइनस सेवन एक्स, माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस वन इंटू माइनस सेवन प्लस सेवन इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स इंटू प्लस वन टू एक्स, माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव। अब क्या करेंगे हम इन सारे डिजिट्स को इधर ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी कि हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो ये सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स टेन एक्स और साइन किसका लगेगा माइनस का, तो इधर वाला हो गया माइनस टेन एक्स, इसका क्या होगा प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस करेंगे फाइव एक्स माइनस टू एक्स थ्री एक्स, साइन किसका लगेगा बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन क्या है यहाँ पे माइनस, यानी माइनस सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस थ्री एक्स, अब माइनस थ्री एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री एक्स। ठीक, अब यहाँ बचा प्लस सेवन, ये माइनस फाइव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं थ्री एक्स माइनस टू एक्स सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस टेन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करेंगे टेन माइनस थ्री एक्स सेवन एक्स और साइन बड़े नंबर का, फिर प्लस 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 सेवन और फाइव ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। सेम थिंग कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से यानी
12 वन जा 12, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे हमारा 7 आ जाए। तो यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 4 इंटू 3, 4 प्लस 3 7, लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x इज प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को पेयर आउट करके कॉमन फैक्टर्स लेंगे, तो क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, ये जाएगा x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गए हमारे फैक्टर्स, x माइनस 4 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारी x की वैल्यूज क्या आ गई, 4 एंड 3, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 बाई 4। तो पहले हम इधर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 आएगा एलसीएम, ठीक। अब इधर क्या नहीं है, एक्स नहीं है, प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 बाई 4, ये क्या आ जाएगा हमारा, 2x, x प्लस एक्स, 2x प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3 बाई 4। अब हम यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 का इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टू जा 8x, 4 टू जा 8 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6x, ठीक। अब सारे इन सबको उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 8 माइनस 6 2, माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। वही चीज, कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि 8 थ्री जा 24, तो 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 2 आ जाए, सॉरी ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा, यानी कि माइनस करने पे 2 आ जाए। तो ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे, 6 4 जा 24, 6 और माइनस 4 2 आ जाएगा हमारा। करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 6x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, 3 इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x, 3x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 2, इस इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, अंदर क्या बचा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या फैक्टर्स आ गए, x माइनस 2 एंड 3x प्लस 4, हमारी वैल्यूज क्या आ गई, x की, x इज इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 4 बाई 3, ये हमारा आंसर, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज 8 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम, एक्स प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये, इधर मल्टीप्लाई होगा, 8 टू जा 16 माइनस 8 एक्स
इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस थ्री थ्री जा नाइन ठीक इज इक्वल्स टू टू। अब क्या करेंगे इन दोनों को इस तरफ भेज देंगे मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा हमारे इधर इधर इसको सॉल्व कर लेंगे 16 माइनस नाइन कितना हो जाएगा 7 7 माइनस 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 प्लस 8 और 3 11 एक्स ठीक इसको उधर भेज दिया 2 इंटू एक्स इंटू टू टू एक्स x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर 3 इंटू टू प्लस 6 प्लस 3 इंटू माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स ठीक। अब ये उधर चला गया अब इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 7 माइनस 11 एक्स इज इक्वल्स टू 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 जो 4 एक्स इसको सॉल्व कर लेते हैं 2 माइनस प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू टू माइनस टू एक्स फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर और टू सिक्स 12। अब सबको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इधर आएगा तो प्लस टू एक्स माइनस 11 एक्स प्लस 12 इधर आएगा माइनस 12 प्लस 7 इज इक्वल्स टू जीरो ठीक। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11x क्या आ जाएगा हमारा माइनस 9x प्लस 12 सॉरी माइनस 12 प्लस 7 तो आ जाएगा हमारा माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। अब कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 5 टू जा 10 यानी कि 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 9 आए 10 के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे 10 वन जा 10 10 माइनस 1 9 लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो खोलते हैं ब्रैकेट खोलेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो कॉमन लेंगे इन दोनों में से क्या आएगा इन दोनों में से क्या कॉमन है 2x तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 5 इन दोनों में से क्या कॉमन है प्लस 1 अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो क्या फैक्टर्स आ गए x माइनस 5 एंड 2x प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहां से x इज इक्वल्स टू 5 एंड माइनस 1 बाय 2 ये हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 होल 1 बाय 6 तो सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा एलसीएम x x प्लस 1 ऊपर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 टू जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा 6 को इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर इंटू सिक्स ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 ठीक 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 ठीक है। अब इसको ये सारे हम उस तरफ ले जाएंगे क्या होगा 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 13x x हो गया यहाँ पे सॉरी x माइनस 12x माइनस 6 इज इक्वल्स टू जीरो ठीक। अब 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर
13x - 12x + x -6 = 0। अब कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 6 × 1 = 6, यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 6 के ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 2 = 3 - 2 = 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 2x - 6 = 0। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 2x - 6 = 0। अब इसको हम लोग पेयर करेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो क्या आ जाएगा अंदर, x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 2, अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 = 0। हमारे क्या बन गए फैक्टर्स, x प्लस 3 एंड x माइनस 2 = 0। तो हमारी x की वैल्यूज क्या आ गई, -3 एंड 2, ये हमारा आंसर। ओके okay?